लालू की सरकार बहुत ही बेहतर थी। बकार क्या मिलेगा बच्चे, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। लालू जी के ही राज में, कांग्रेस के राज में अच्छा था। लालू यादव की बदनामी हो रही है, बदनाम करल गया है, बदनाम करल जा रहा है। लालू जी घोटाला नहीं, उनको फंसाया गया है। भूखे आदमी है, सरकार खाली ऊपर से बांट दिया और नीचे किसी को नहीं है। लूटपाट हो ही रहा है नीतीश सरकार में। अब गरीबों का मसीहा वाकई में गॉड गिफ्टेड है लालू प्रसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं पल्लव निरंजन। आपको बता दें कि आज हम लोगों के बीच में आए हैं ये जानने के लिए क्या कि लालू यादव अभी जेल में हैं और इस बीच में जो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो चलिए जानते हैं। चाचा, लालू यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? बहुत बढ़िया जानते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो अभी वो जेल में है? हाँ जेल में है। जेल में रहने के बाद भी उनके ऊपर हमला किया जा रहा है? हाँ किया जा रहा है। किया जा रहा है तो वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। अच्छा तो एक बात बताइए, उनके राज्य से आप खुश थे कि नीतीश कुमार? नहीं, लालू के राज्य से। लालू के राज्य तो काहे ऐसा, नीतीश बाबू में कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। नीतीश बाबू तो बोलते कि जंगल राज था, जंगल राज कब खत्म करवा दिया? कुछ नहीं है, सब घोटाला है, लालू से ज्यादा है। अच्छा। लालू मतलब से, लालू जी से ज्यादा, मतलब लालू जी भी घोटाला किए हैं? लालू जी घोटाला नहीं, उनको फंसाया गया है। अच्छा। कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, उनका एज भी काफी होते जा रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कि निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, लालू प्रसाद को निकालना चाहिए। जंगल राज के बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी था, अभी है कि पहले? बदनामी है लालू यादव की। लालू यादव की बदनामी हो रही है, बदनाम करल गया है, बदनाम करल जा रहा है। कौन बदनाम किया? भाजपा, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, सब बदनाम कर रहा है लालू यादव के। लालू यादव गरीब का मसीहा है। जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया, उनको फंसा दिया गया। लालू जी गरीब के मसीहा है, आँख खोल दिए हैं गरीब आदमी के। अच्छा। वो तो बड़े लोग का नेता है, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये सब बड़े 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 के नेता है। गरीब के नेता कौन? गरीब का नेता तो लालू प्रसाद यादव है। वो गरीबों के लिए करते थे? हाँ करते थे। नीतीश कुमार नहीं करते? नीतीश कुमार नहीं करते, कहाँ कुछ मिलता है, कुछ अनाज उनाज कुछ मिलवे नहीं किया। वार्ड पार्षद अपने घर में अथी हो गया, ना नाली साफ होता है, ना अथी छिटाता है, कुछ छिटाता है, ये नहीं है। कोई गांव में ताकने आया, ताकने भी नहीं आता है। तो ताकने भी नहीं आया है। हम और चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या है, लालू यादव को जेल से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या फिर भी जेल में रहते हुए भी उनके ऊपर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। तो लालू यादव को जानते हैं आप? जानते तो बहुत पहले से मैं। और उनके ऊपर प्रतिदिन हमला किया जा रहा है और एज भी काफ़ी हो गया है, तो क्या जो नीतीश सरकार के ऊपर से हमला किया जा रहा है वो सही है? सही क्या रहेगा, सब तो मिलिए भगत हैं, पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं लालू जी और नीतीश जी जो भी हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं है धरती पर अभी तक ले, सब अपने पॉकेट के लिए हैं। नेता हो चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, हम लोग के वार्ड में एक भी महीना दिन हो गया राशन पानी हर एक वार्ड में बटा है, लेकिन मेरे वार्ड में मलाही पकड़ी कंकड़बाग में नहीं बांटा गया, एक दिन भी नहीं। एक दिन भी नहीं बांटा जी? नहीं। वहाँ का मुखिया कहते हैं कि यदि जो हम बांटेंगे तो हमारा कुल मर्डर कर देगा। हम कहते हैं कि यदि जो आपको कौन मर्डर कर देगा सर? उसका गांव वाला ही मर्डर कर देगा, बल बांटेंगे राशन तक। वार्ड परिषद बोलता है आपका? जी जी जी। कौन है यहाँ का वार्ड परिषद? हमारा वहाँ वार्ड परिषद उधर का मुखिया में जैसे चुन्नू जी नाम है, उनका वाइफ का नाम है भुतला रहे मैम, उनका नाम भुतला रहे, लेकिन हम लोग बहुत अफसोस से जी रहे हैं, घुटन की तरह मर रहे हैं उधर। एक भी मतलब वो योजना निकला था कि गरीब आदमी को घर मिलेगा, मकान मिलेगा, मकान क्या मिलेगा बच्चे, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। हम कहते हैं आपको हिम्मत नहीं तो थाना प्रभारी को दीजिए राशन बांटने के लिए गरीब आदमी को, जितना भी आपका मेम्बर है घर में, लेकिन कोई नहीं सुनता। आप वार्ड परिषद यही रहता है? जी हाँ यही रहता है। उसका घर मलाई पकड़ी कंकड़बाग साइम हॉस्पिटल जी का थी बिल्डिंग में, मकान में पड़ता है। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। साई मंदिर कहाँ पे? ये मलाही पकड़ी है न, श्री राम
साई हॉस्पिटल करके है, ईशान स्कूल है उसके पीछे पड़ता है। अच्छा, नाम क्या? चुन्नू नाम है जी, चुन्नू जी नाम है बाट का। उनको कौन धमकी देता है कि मर्डर कर दे? वही जानते होंगे मैडम, हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो मर रहे भाई। ठीक है सर, हम बात करते हैं आपके वार्ड परिषद से जाके। आप क्या, आपको और कुछ तकलीफ है? तकलीफ तो है कि माँ बाप का एक बेटा है तो परिवार है, साथ में बाप मर गया, अकेला है, मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे हम चाहते सर महाराज जी कुछ सुनते तो हमको कुछ झाड़ू पोछा में नौकरी लगा दे, कहीं दे दे ताकि कमा खा के बाल बचा के पाले। क्या कर रही है बिहार सरकार? जनता ऐसे भी लग रही है और ऐसे रो रही है, जिन भूखे मर रहे हैं लोग यहाँ पे। ना वार्ड परिषद काम कर रहे हैं, इनका बोलना है कि हनुमान नगर के पास आगे में मलाही पगड़ी है, मलाही पगड़ी पे वार्ड परिषद रहता है श्री साई हॉस्पिटल के पास में, और वार्ड परिषद का नाम चुन्नू है। उनको कोई धमकी देता है तो धमकी ऐसे नहीं होता है भाई, धमकी उनको बोला जाता है कि हम आप वहाँ लोगों को राशन देंगे तो हम आपका मर्डर कर देंगे, तो कौन है भाई, कौन ऐसे मर्डर करता है? हम ये बात सरकार तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस लॉकडाउन से कम लोगों को राशन पहुंचाया जाए। चलिए हम और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं। सर आप बताइए कि लालू यादव के अभी ऊपर बहुत हमला हो रहा है और अभी वो जेल में है, और नीतीश सरकार, तो इन दोनों में से कौन अभी ज़्यादा अच्छे हैं? नीतीश कुमार तो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, साफा पता चल रहा है। क्या है आप बताइए? यही लॉकडाउन में देख लीजिए, कहीं राशन दिया जा रहा है, कहीं नहीं दिया जा रहा है, बस। आपको राशन नहीं मिला है? अभी तक हमको नहीं मिला। लॉकडाउन का तो 4 महीना हो गया है। 4 महीना हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक हमको ही मिलवे नहीं किया। आपके वार्ड परिषद नहीं दिया आपको? नहीं, उधर तो बांटा था, सबका बांटा था, हम लोग नहीं दिए। लालू जी के ही राज्य में, कांग्रेस के राज्य में अच्छा था। अच्छा। इसलिए कि इनके राज्य में अच्छा नहीं है, इनके इनके राज्य में इतना आवाम को तकलीफ हुआ है और हो रहा है कि मत कहिए। इससे पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं आई थी जनता को, और आज के डेट में लॉकडाउन करते हैं सरकार, पर किसी को खिलाने की ताकत नहीं है उनको। अगर खिलाने की ताकत है तो हर आधार कार्ड थी जो बनाए हैं उसको, नहीं आधार कार्ड जिसके पास है हर व्यक्ति को, राशन कार्ड हर व्यक्ति को नहीं है, आधार कार्ड हर व्यक्ति को बनाए हैं उसको दे, कुछ मुआवजा दे, पैसा दे कि वो चल सके। न उसके पास पैसा है, न रोजगार है, 1 घंटा काम करता है, 1 घंटा साला मेहनत करता है, उसमें क्या कमाएगा? भूखे आदमी है, सरकार खाली ऊपर से बांट दिया और नीचे किसी को नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन ज़्यादा सही है? सही तो कांग्रेस की सरकार सही था। हाँ, लालू यादव जेल में है, उनके ऊपर प्रतिदिन हमला हो रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? हम देखिए, लालू जी के बारे में पर्सनली हम किसी को बारे में नहीं हम बोलेंगे, लेकिन ये सरकार जो आई है भाजपा की सरकार, चाहे नीतीश कुमार, ये बड़े लोगों की सरकार है, ये बिजनेसमैनों की सरकार है। हाँ, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है। वो इंडस्ट्रीज को देखती है, पैसा देती है इंडस्ट्रीज को ज़्यादा, और जनता को पैसा नहीं देती है। जनता को अरबा चावल, वो पिल्लू लगा हुआ चावल देती है, हैं उसमें 5 किलो चावल, क्या भीख है? भीख मांगने जाएगा हर घर में तो भी मिल जाएगा 10 किलो और 20 किलो चावल एक व्यक्ति को जी। लेकिन ये कहाँ देती है? नहीं देती है, कुछ नहीं दे रही है। तो अभी लॉकडाउन में राशन नहीं पहुँचा आपके पास? कौन, नहीं नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। यहाँ के वार्ड परिषद क्या करते हैं? वो सब सोया हुआ है, वो सब क्या करेगा? नहीं आज देखिए, वो है कि अपना स्थिर अपना घर में रहेंगे, स्थिर रहेंगे वो जी। समझ गए ना, उनको तो देख रेखने के लिए सब परिवार है और सब गांव वाले मोहल्ला टोला वाला सब उनको देख रेख में लगा हुआ है। ये है ऐसे हुआ अभी जो तो हैं तो उनको भी देख रेख वहीं से हो रहा है। लालू यादव का कार्यक्रम कैसा था, उनका कार्य कैसा था? देखिए उनका शासन में ठीक था जी। समझ गए ना, लालू यादव जी में जो शासन में ठीक था सरवा, समझ गए। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि लालू यादव के राज्य में जंगल राज पूरा, सब अपना अपना पक्ष दूसरे का अगला का बदनाम कर रहा। हाँ बस, आओ क्या क्या, और भी मतलब कि बदनाम। देखिए हर नेता अपने आप को ही ठीक होना चाहता है, समझ गए ना। वो लोग कहता कि चलो हम ठीक है, वो कहता कि हम ठीक हैं। अभी जन वितरण प्रणाली वाला सब स्ट्राइक पर लगा हुआ है, राशन कार्ड वगैरह कुछ बन नहीं रहा है और ना सामान मिल रहा है, और यहाँ के जनता विवश हो गई है पूर्ण रूप में, क्या किया जाए। और वोट लेने के लिए समय पर अपना निकलते हैं, वोट लेके जाते हैं और उसी में नतीजा जो भी है निकलता है, क्या किया जाए। तो और इस सरकार से पहले तो लालू की सरकार बहुत ही बेहतर थी,
वाकई में लोग कहते हैं राज लालू प्रसाद के राज में जंगल आज था मगर इतना नहीं था। ये तो समझिए कि राज मैंने क्या कहा जाएगा इसे, राजव्यापी सरकार है, मैंने अफसरशाही सरकार है। यहाँ पर ही अफसर लोगों को सुना जाता है, गरीब लोगों का कोई सुना नहीं जाता। अगर आप थाना में जाते हैं अगर FIR दर्ज करने के लिए तो 50 तरह का सवाल किया जाता है, बहुत तरह का सवाल किया जाता है, ऐसे बहुत तरह का सवाल किया जाता है, FIR दर्ज भी नहीं होता। बहुत तरह का है सरकार में, अफसरशाही सरकार है, गरीबों को बहुत सरकार फायदा मिलती है, इसलिए कि गरीबों का मसीहा है लालू प्रसाद। जो लालू प्रसाद जी कर दिए गरीब के लिए वो कोई सरकार नहीं की है, और आरक्षण वगैरह भी लालू प्रसाद का ही देन है, गरीबों का ही, छोटे तबके का, नीचे तबके के लोग जो हैं उनको नाम मुकाम जो भी है ये लालू प्रसाद का ही है, और गरीबों का मसीहा वाकई में गॉड गिफ्टेड है लालू प्रसाद। ना तो SB के तो आज तक यहाँ देखे नहीं कोई क्या कि कैसन शकल है उसका, जो देखा न्यूज पर लालू यादव को एकदम सकल से देखे थे, उनको करीब से देखे थे। हाँ देखे थे लालू जी। नीतीश कुमार काम किए कि नहीं किए? नहीं, काम वो नहीं किए। काहे? वो तो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए, हम गरीबों को एकदम रोजगार दिलाए हैं, शिक्षा बहुत सही करवाए, रोजगार दिलाए, लॉकडाउन कर दिए हैं, सब सारा सिस्टम बंद है, कमाएगा गरीब कहाँ से? 5 किलो अनाज में कब 4 परिवार खा लेगा? आपको मिला राशन? मिला है? हमको तो मिला है जी, ले वही मिला, पिल्लू लगल गेहूँ और चावल। लालू यादव जी सही थे, लेकिन नीतीश कुमार बार बार बोलते कि उनके राज में जंगल राज था, बहुत ज़्यादा लड़कियां सेफ नहीं रहती थी, अभी लड़कियां सेफ हैं और लूटपाट भी सब सही है। कहाँ नहीं हो रहा, देखिए ना न्यूज में देखिए, छेड़खानी हो रहा, छेड़खानी में नहीं मार दिया गया आपको मीडिया वाले को, उसकी बेटी से छेड़छाड़ किया उसको मार दिया गया है, कहाँ है? सब जगह तो वही हाल है, सब जगह लूटपाट हो ही रहा है नीतीश सरकार में, कहाँ नहीं हो रहा, सब जगह तो वही हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, सभी जगह तो हो रहा है, सबके सरकार में ही हो रहा है। लेकिन लालू जी के सरकार में जितना गरीब जीता था ना, इनके सरकार में गरीब अभी नहीं जी रहा है, गरीब गरीबे हो गया अमीर। और ये सरकार से मैडम आप ये देख रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं ATM टूट रहा है, घर घर बगल में जो बाहर जा रहे हैं डकैती हो रहा, दिन दहाड़े डकैती हो रहा, क्राइम बढ़ गया, क्राइम इतना जरूरत बढ़ गया है कुछ करें। लड़कियां पहले भी सेफ नहीं थी आज भी सेफ नहीं है, लड़कियां पहले भी सेफ नहीं थी आज भी सेफ नहीं है, और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, और दिन पर दिन घटना, दिन पर दिन घटना बढ़ रहा है, घटना का ग्राफ जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, आप ग्राफ उठा के देख सकते हैं, और थाना में दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, और थाना में किसी तरह का कंप्लेन लिया भी नहीं जा रहा है। 10 तरह का कौन से थाना में कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है सर? बहुत से थाना है देखा जा रहा है, आए दिन न्यूज व पेपर में आ रहा है, बहुत सा थाना में नहीं लिया जा रहा, बहुत सा थाना में लिया भी जा रहा है, बहुत सा थाना में नहीं भी लिया जा रहा। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है, और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।